पाक एयरवेज का तैयारा मुल्तान के करीब जिला विहारी में गिरकर पास पास हो गया। मैं तो 2 महीने का था जब मेरे वालिद रफ़ी भट्ट फौत हुए, और 2 महीने के बच्चे को क्या पता हो सकता है, और घर वालों ने, वालदा ने और घर वालों ने ये बताया भी नहीं। मेरे जहन में एक ही चीज़ रहती थी कि अगर वो ज़िंदा होते तो क्या सिचुएशन होती, अगर वो ज़िंदा होते तो क्या होता। तो मेरी तो ज़िंदगी अगर में ही गुजर गई। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट पाकिस्तान के एक मारूफ बिजनेसमैन। इनके लंबे अगर के सफ़र में हर मोड़ पर मंजिलें गुमा होती गईं और नई मंजिलें आती गईं। क्योंकि 2 महीने का एक यतीम बच्चा बड़ा होते हुए कितने मरहलों से गुजरा होगा और उसके तमाम सवालों के जवाब के साथ एक नया सवाल उभरता होगा। Formative years थे ना, when I was young in school and then in college, means teenage and early 20s, वो बहुत confusion थी, बना confusion थी within myself। वो ये थी कि my mother used to tell me Rafi Bhatt's stature, his business position and his political association with Jinnah to make this country, and his international level of activities in those days। और हम माँ के घर रह रहे थे middle class stature में। बातें वो इतनी बड़ी कर रही होती थी, इतने तो बड़े लोगों के नाम ले रही होती थी, मुमताज़ दौलताना, अपना ममडोट्स, साइगर्स, ये रफ़ी भट्ट को मिलने आ रहे होते थे। तो That confused me all the time, कि माँ बातें क्या करती है। And it did not fit with my lifestyle, and I felt that she is too fascinated with her husband and she is just probably imagining and fantasizing जो वो कह रही है। तो आप जैसे कह रहे हैं इतना कन्फ्यूजन था, ये आपकी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, जो आपकी डे लाइफ थी उसमें भी इफेक्ट कर रहा था साइकोलॉजिकली। सिंस आई डिड नॉट हैव अ फादर, तो उस चीज़ ने मुझे एक इनसाइड को शाइनेस डाल दी, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल। तो घर में कोई रिश्तेदार भी आ जाता था तो उनमें कोई बच्चा मेरी एज का आता था या बड़े कोई रिश्तेदार आते थे, तो मैं अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेता था। आई वुड नॉट लाइक टू मीट द पर्सन, आई वॉज सो शाय। वालदा इंतहा का मुझे से मोहब्बत करती थी और प्रोटेक्ट करती थी। यहाँ तक जब 11 साल तक मैं लाहौर में था तो सेंट एनीज में मैं पढ़ता था, तो मेरी खाला मेरे साथ जाती थी स्कूल, और स्कूल में मैं क्लास में होता था, वो बाहर बैठी होती थी। तो वो अजीब सी फीलिंग होती थी, मैं अकेला बच्चा था पूरे सेंट एनीज हाई स्कूल में, और उसमें मेरी खाला जो है वो कॉरिडोर में बैठी होती थी पूरा टाइम, एवरी डे। तो सो उसने भी एक अजीब सी बिहेवियर पैटर्न बना दिया मेरा। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल कि बाकी बच्चे तो फ़र्क तरीके से आते हैं जाते हैं, मेरी खाला हर वक्त होती है। तो उस स्टेज पे मेरी माँ ने रियलाइज़ ये किया और उसको लोगों ने कहा कि ये बच्चा तो बिल्कुल अब नॉर्मल हुआ होगा, तो इसको बोर्डिंग में भेजो जहाँ पर ये तुम्हारे लाड से निकले। बट वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था जब मैं लॉस कॉलेज गया, बोर्डिंग में गया, शाइनेस टूटी, और वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो अपना कभी बाप देखा ही नहीं। और माँ कहती रहती है वो अमेरिका गया हुआ है और अभी आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। तो यहाँ तो सब दोस्तों के वालिद आए हुए छोड़ने और लेने भी आ रहे हैं। तो जब मैं छुट्टियों पर लाहौर वापस आया तो मैंने अपनी माँ को अब्रप्टली कहा कि
मैं तो बाप देखा नहीं, क्योंकि क्या है, दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट कि ही इज डेड. तो दैट वाज शॉकिंग टू मी. और बट माँ इतनी डिवोटेड थी, वो 24 घंटे उसकी ही बातें मुझे करती रहती थी. बार बार कहती थी 7 साल शादी में मैं जो सीख गई रफ़ी भट्ट को, बस वो ही है. और वैसे वो कंजर्वेटिव पलवान फैमिली से थी. पास से इसकी इतनी हिफाजत करते थे कि इसका दूध भी छुपा के रखते थे कि कोई मुलाजम वगैरह कुछ डाल ना दे उसमें. इनकी जितनी भी जायदाद थी ना, वो सारी लोगों ने कब्जा किया हुआ था या किराए पे थोड़े से पैसे देते थे. तो वो बेचारी उस अख्तर अली कज़ल बाश के साथ बैठ के, तांगे में बैठ के या वट एवर दी सवारी वाज अवेलेबल, वो बस अदालतों में धक्के खाने, कोशिश करना दादा उसको रिवील करवाएं अपनी जायदाद को. वो देट वॉज अनयूजुअल. और मेरा ख्याल में वो जो चीज़ शायद इनमें डेवलप हुई थी ना, वो रफ़ी भट्ट के साथ रहने के साथ वो चीज़ें फिर डेवलप हो चुकी थी, बिकॉज वो ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन. 25 साल मेरा ख्याल है उन्होंने ये मुकदमे लड़े. बहुत सादा, बहुत नेक औरत थी. और ये कि इनकी केयर बहुत करती थी कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, इनको महसूस नहीं होने दिया कि उनका फादर नहीं है. मैं पढ़ाई से दूर निकला, बाहर निकलना चाहता था, मैंने सोच जाती. आज मैं समझता हूँ वो क्या था, जीन्स थे रफ़ी भट्ट के, विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग जीन्स, वेरी अग्रेसिव, वेरी डोमिनेटिंग, वेरी अचीविंग जीन्स थे. फिर मुझे सब वालदा स्पेशली और रिश्तेदार कहते कहते थे ए निकम्मा निकलेगा, ए कुछ नहीं कर सकता, ना पढ़ता है ना कुछ कर सकता, शरारतें करता है. एक जगह गए थे मेयो हॉस्पिटल, एंड इम्तियाज साहब वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर. आई सेड हेलो टू हिम, तो मेरे वालिद ने उनको देखा और उसकी तरफ गए और embraced him and started crying. तो कहते हैं ये रफ़ी का बेटा है. मैंने कहा जी हाँ, ये रफ़ी साहब के बेटे हैं. तो उस दिन के बाद माई फादर टोल्ड मी कि इसका ख्याल रखा करो. फिर जब जब मैंने अपने पे गौर किया तो मैं क्लियर हो गया, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास फैमिली कॉन्टैक्ट्स हैं ऐसे कि मुझे कोई जॉब मिल जाएगी. शायद मैं करना भी नहीं चाहता, बिजनेस भी नहीं कर सकता. तो आई मस्ट डू समथिंग. एक दिन हमने प्लान किया टू गो टू अमेरिका. वी नो नथिंग अबाउट अमेरिका एट दैट टाइम. हमें कुछ नहीं पता था, हमने कहाँ जाना है, कहाँ लैंड करना है, क्या करना है. बट वी मूव्ड. मैं आज भी सोचता हूँ कि मिडिल 74 में हम जाते हैं, $1,000 है और न्यूयॉर्क उतरते हैं और एक एड्रेस नहीं, ना किसी को जानते हैं, ना कभी अमेरिका गए हैं. बिल्कुल. और दोनों और $1,000 है. बिल्कुल. और हम जाते हैं और जाके अपार्टमेंट किराए पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं और ग्रोसरी डालते हैं. $500-600 चले गया, $300 रह गया. और हमें पता है कि अब 15 दिन गुजरते हैं या 20 दिन गुजरते हैं. Exactly. और मैंने तुम्हें कहा, मैंने कहा जैदी 15 दिन के बाद हम पाकिस्तान वापस जा रहे होंगे, ये रिटर्न टिकट जो है वापस कर, ये GPO चाल के तो वापस पाकिस्तान भेज देते हैं कि हमारे पास ना टिकट होगी ना सोचेंगे, किश्तियाँ जला देने वाली बात है. Exactly. ਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਂਬਰਗਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ. ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਬੈਠੇ. ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰ ਹੰਡਰਡਸ ਐਂਡ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅ ਡੇ ਜਸਟ ਟੂ ਸੈਲ ਵਨ ਕਾਰਪੇਟ ਔਰ ਟੂ ਐਂਡ ਫਾਈਨਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ.